ईश्वर सभी को एक घर दे, और घर दे तो उसमें रहने का हक भी दे। लेकिन जो स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरे सिस्टम पर कैसे सवाल खड़े कर रहा है ये आप भी पूछेंगे, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कईयों को बेघर कर दिया गया। पुनर्वास की बात तो कही गई, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। झारखंड में विकास की बातें कही जा रही है, हर किसी को रोजगार और हर इंसान को आशियाना देने की बात की जाती है, लेकिन हकीकत क्या है यह दिखाने के लिए हम पांच जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। लेकिन इसी प्रोजेक्ट में ना जाने कितने ही आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। सरकार ने अधिग्रहण किए गए जमीन और मकान के बदले मुआवजा देने का प्रावधान किया है, लेकिन मीना देवी के परिवार आज घर से बेघर हो गया और मुआवजे के नाम पर परिवार को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी यह परिवार सड़कों पर अपनी गुजर बसर कर रहा है। अधिग्रहण किए गए जमीन और मकान के बदले सरकार की ओर से मुआवजा का जो प्रावधान है उनमें से ज्यादातर मामले NHAI और भू अर्जन विभाग ने LA कोर्ट भेज दिया है। ये महिला जो है ये अपाहिज है, विकलांग है, ये इधर उधर घूम में नहीं पाती है, इसको पकड़ के ले जाना शौचालय, पकड़ के नहाना, ये इनका बेटी करती है। हम चाहेंगे कि इसका जो सरकार के ओर से जो जमीन का बात चल रहा है कि इनका सरकारी जमीन 3 डिसमिल देने का बात चल रहा है, तो जितना जल्दी हो इनका पर्चा मिल जाए। एक आदमी गणेश गुप्ता का नाम हम लोग को प्रकाश में आया है कि उनका घर जो है टूट गया है, उनके पास और भी कोई जमीन नहीं है। तत्काल उनको रहने की व्यवस्था पंचायत भवन में किया जा रहा है, और साथ ही चूंकि उनके पास जमीन नहीं है इसलिए गृहवास के लिए कुछ जमीन बंदोबस्ती का भी हम लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया है। जो उनका घर टूटने के बाद वो बेघर हो जा रही है, उनकी स्थिति नहीं बन पा रही है, और एक्ट में प्रावधान है कि जिन लोगों के पास उसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं बने तो उनको जमीन मिले, और वो दो महिलाएं हैं उनके लिए जमीन चिन्हित की गई है औरा में ही सब स्टेशन के बगल में, और उन लोगों को सरकार जो है जमीन बंदोबस्त करके देगी। फिर से ही सही मीना देवी को बताने के लिए अब जमीन खोजी जा रही है, लेकिन मीना देवी की नजरें अभी भी उनके आशियाने पर टिकी हुई है। बगोदर से न्यूज 11 भारत के लिए बिट्टू की रिपोर्ट।